नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करते हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का इतिहास, यानी कि 11वीं क्लास का इतिहास। हिस्ट्री का पेपर है, 3 से 4 घंटे का एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर रहने वाले हैं। आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे सभी जिलों के अंदर काम आएगा। तो पेपर जिसका भी मिलान कर लेना, जिसका पेपर नहीं हो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आंसर की भी आपको बताऊँगा। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले का पहला मेसोपोटामिया की लिपि कहलाती है। तो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, से ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, मेसोपोटामिया की प्राचीनतम नगरों का निर्माण शुरू हुआ था। तो कब हुआ था, दूसरे क्वेश्चन में वह ऑप्शन आएगा राइट आंसर है। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस रोमन सम्राट ने भारत के विजय का स्वप्न देखा था। 3 नंबर क्वेश्चन में द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा नगर था जो 79वीं ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था। तो 4 नंबर में कौन सा आएगा, वह ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, चंगेज़ खां की मृत्यु हुई थी। तो 5 नंबर में कौन सा आएगा, वह ऑप्शन राइट आंसर होगा। 6 है, चंगेज़ खां की विधि संहिता कहलाती है। तो 6 में आएगा द ऑप्शन यास। नेक्स्ट आता है 7, लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूमि का भाग कहलाता है। तो इसके अंदर आएगा दोस्तों यहाँ पे द ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्को द्वारा चर्च को दिया जाने वाला कर कहलाते हैं। तो 8 नंबर में क्या आएगा, ऑप्शन आएगा। 9 नंबर, दी फाइटा नामक प्रतिमा का निर्माण किया गया था। तो इसके अंदर आएगा बे ऑप्शन। 10 नंबर है, जोहानेस गुटनबर्ग ने पहले छापेखाने का निर्माण किया था। तो 10 नंबर में आएगा द ऑप्शन 1455 के अंदर। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। 11 नंबर में क्या आएगा, बे ऑप्शन राइट आंसर होगा। 12 ने ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। तो इसके अंदर आएगा ए ऑप्शन 1783 के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं, चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई है। तो कब हुई थी दोस्तों चीन के अंदर, इसमें आएगा द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मेजी पुनर्स्थापन से पहले जापान में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी। तो इसका आंसर होगा द ऑप्शन, शोगुन के हाथ में। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। 1-1 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1100 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया क्षेत्र को क्या कहा जाता था, सांप्रदायिक और सांस्कृतिक विविधता का केंद्र कहा जाता था। नेक्स्ट आता है, रोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ समृद्धि और सत्ता के बल पर चलती है। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ क्या थे दोस्तों, शिकारी थे। 4 नंबर है, काश्तकार 2 तरह के होते थे, स्वतंत्र किसान होते थे, एक होते थे दास होते थे। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरहद किस शक्ति रहती थी, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में है, किस साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में थी, मानवतावादी समाजवादी की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना, यानी कि एक पंक्ति में उत्तर देना होगा। मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच में बसा हुआ है, तो यह आएगा दजला और फुरात के मध्य। नेक्स्ट आता है दूसरा, सेंट ऑगस्टीन कौन थे, तो इसका आंसर होगा सेंट ऑगस्टाइन उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर का बिशप था और चर्च के बौद्धिक इतिहास में उसका उच्चतम स्थान था। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, बाइट कौन था, तो इसमें आएगा आंसर मानवतावादी समाजवादी पार्टी का मुख्य संस्थापक और नेता था, उन्होंने रूसी कम्युनिज्म को अपने नेतृत्व में किया। 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मंगोल कौन थे, मंगोल पूर्वी व मध्य एशिया में पाए जाने वाली एक जनजाति थी जिसके में विश्व के इतिहास में अपनी नई पहचान बनाई। प्राचीन काल में मंगोल जाति के लोग अर्गुन नदी के पूर्वी क्षेत्रों में गुजर बसर किया करते थे। 5 नंबर है, एंजिन लैंड किस देश का रूपांतरण है, तो इसके अंदर होगा ब्रिटेन का या अंग्रेजी देश का। नेक्स्ट आता है, पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है, पुनर्जागरण एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है पुनर्जन्म, यह यूरोपीय सभ्यता के उस काल को संदर्भित करता है जिसके शास्त्रीय शिक्षा और ज्ञान के पुनर्द्वार द्वारा चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट आता है, कनाडा का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तो क्या आएगा दोस्तों इसके अंदर आंसर होगा यहाँ पे रियल एस्टेट खनन व विनिर्माण में। नेक्स्ट आता है, नेटिव का क्या अर्थ है, तो इसमें आएगा वह निवासी जो किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से बढ़ने वाली किसी चीज़ पर पैदा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, नेटिव कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, टोक्यो में ओलंपिक खेल कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1964 और 2021 में हुआ था। चीन की 3 प्रमुख नदियों के नाम, एक तो है यांगत्ज़ी नदी हो गया और पीली नदी होगा,
लंकाग नदी हो गया। उसके बाद में बात करते हैं खंड बैग के अंतर, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बाइबिल में उल्लेखित जल प्लावन की घटना का वर्णन कीजिए। रोम साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में, मध्यकालीन यूरोप में वेसलेज नामक प्रथा क्या थी इसके बारे में बताना होगा। उसके बाद में आता है मध्यकालीन में इंग्लैंड में सामंतवाद के विकास का वर्णन कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद में है श्रेणी की एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखेंगे, और उसके बाद में श्रेणी और गिल्ड पर एक संक्षिप्त में लिखेंगे। विज्ञान दर्शन के क्षेत्र में अरबों का योगदान की विवेचना कीजिए। अमरीकों के लिए फ्रंटियर से क्यों मानते थे, 12 नंबर क्वेश्चन, और 13, 14, 15 जो भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिए गए ये सारे कितने नंबर के, यहाँ पे 2-2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में जो स्कंड से की बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, मानवतावादियों में किस काल में मध्य युग और किस काल को आधुनिक युग संज्ञा दी गई है, अथवा के अंदर भी दे रखा है, दोनों में से एक करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद का विवरण दीजिए, और अथवा के अंदर पूछे यहाँ पे गोल्ड रब किसे क्या अभिप्राय है, इसके उद्योगों को बढ़ावा क्यों मिला। 19 नंबर जो क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को यूरोपीय लोगों के प्रति दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास पर प्रकाश डालिए, अथवा के अंदर भी दे रखा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आई बदलाव की लहर का एक निबंध लिखे। नेक्स्ट आता है 20 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों के सामना छिंग राजवंश से कैसे किया, डॉक्टर सन यात सेन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पोकुजावा युकी जी के पर एक संक्षेप में टिप्पणी लिखें। 1965 में चीन के महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का संक्षेप में टिप्पणी लिखें। चीन और जापान के भौतिक विकास में काफ़ी अंतर स्पष्ट करें। चीन में 1978 में शुरू होने वाले सुधारों का वर्णन कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के बदलाव की लहर का एक लेख लिखे, और उसके बाद में अथवा के अंदर भी दे रखा है, दोनों में से एक करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में विश्व के मानचित्र में अंकित करना होगा ब्राज़ील हो गया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर, विश्व के मानचित्र में इनको दर्शन होगा, ग्रीनलैंड हो गया, रूस, मिस्र, लंदन, मुंबई, अरब सागर और कैस्पियन सागर। दोस्तों पेपर क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, धन्यवाद।